हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे हम। द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स ऑल्टीट्यूड। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, देन फाइंड द ऑल्टीट्यूड। तो मालूम क्या करना है, इसके अंदर एक ट्राइंगल है जिसका ऑल्टीट्यूड क्या है, 4 मीटर लॉन्गर देन है, और ट्राइंगल का एरिया 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है। फाइंड द और बेस ऑफ ऑल्टीट्यूड लेना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, ऑल्टीट्यूड ये ट्राइंगल है, ये हो जाएगा h, इसको दे देंगे हम h इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर्स, और इसका बेस जो है कितना है? अगर x रहा तो बेस x प्लस 4 है, 4 मीटर्स लॉन्गर है। बेस कितना है यहाँ पर, 4 मीटर्स लॉन्गर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे, देन इट्स बेस इज इक्वल टू x प्लस 4, बी इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 4, ये बेस हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर हाफ बेस क्वेश्चन के अंदर x प्लस 4 लिए भी हम, उसी तरह हाइट लिए x इज इक्वल टू, ये दोनों के क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स गिवन है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स 4x बाय 2 इज इक्वल टू 48। अगले स्टेप के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 48 इंटू 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, 2 4 96 हो जाएगा। अगले स्टेप के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसको इस तरफ ला लीजिए, -96 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे, 96 एक्स स्क्वायर इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा। ये प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आप 4x भी हो जाएगा। तब हम इसको ये 4 को हटा देंगे, यहाँ पे हटा के रिमेनिंग क्या रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर इसको हटा देंगे, प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। उसी तरह x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12, इधर भी x प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8, 12 8 96 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट यहाँ पर सेम है, एक ब्रैकेट ले लेंगे, उसी तरह x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे यहाँ पर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12, यहाँ पर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 8। यहाँ पर नेगेटिव को हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बट x कांट बी नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव में कभी भी नहीं आएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये वैल्यू को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो हम क्या करें, x प्लस 4 ले लिए ऑल्टीट्यूड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की प्लस में 8 प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्टीट्यूड साइड इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12, यहाँ पर ले लेंगे सेंटीमीटर्स, और उसी तरह बेस ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।